अमेरिका में चुनाव के ऐलान के साथ ही भारत में जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है कमला हैरिस। भारतीय मूल की कमला हैरिस को अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है और आज कमला हैरिस का 56वां जन्मदिन भी है। कमला हैरिस पूरे जोश के साथ चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं और अपनी जोरदार भाषा शैली से विरोधियों को लगातार पस्त कर रही हैं। लेकिन चुनाव प्रचार के बीच ही हैरिस ने अपना 56वां जन्मदिन भी मनाया। इस दौरान कमला हैरिस ने मंच पर ही केक काटा और अपने समर्थकों को थैंक्स कहा। डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार जो बाइडेन ने कमला हैरिस को बधाई देते हुए कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि वो अपना अगला बर्थडे सेलिब्रेशन जल्द ही व्हाइट हाउस में करेंगे। आपको बता दें कि 2016 में सीनेटर चुने जाने से पहले कमला हैरिस एक जानी मानी वकील के रूप में मशहूर थी। हैरिस का जन्म कैलिफोर्निया के ऑकलैंड में हुआ था। अगर हैरिस उपराष्ट्रपति बन जाती हैं, तो वो इस पद पर काबिज होने वाली अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति होंगी।